करते हैं हमें या कंप्यूटर हो जाए या लैपटॉप हो जाए, तो सिंपल हम जो है अपने स्पीकर वाले जो यहाँ पे देखिए लैपटॉप में दिया हुआ है, स्टूडियो पे दिया हुआ है, इसमें हम लगाते हैं और यहीं से आवाज़ आता है ये, ठीक है, यहाँ से आवाज़ आता है। लेकिन क्या हुआ कि जब इस पर आप लगाते हैं यहाँ से आवाज़ नहीं आता है, इसका मतलब ये जो है आपका ख़राब हो गया, आपका साउंड डिपार्टमेंट ख़राब हो गया है, ये आउटपुट है। मेनली मैं कंप्यूटर में बता रहा हूँ ये, तो देखिए एक डिवाइस ही आता है ये, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, USB टू साउंड कार्ड डिवाइस है ये। इसको नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप लैपटॉप यूज़ करते हैं या आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, और लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ करते समय उसमें अगर साउंड ना आवे, मतलब आवाज़ नहीं आए, तो मुझे लगता है कि आपको यूज़ करने में अच्छा नहीं लगेगा। तो कल क्या हुआ, कल एक कस्टमर ने मुझे फ़ोन किया कि जोगिंदर जी अपना मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, उसमें साउंड नहीं आ रहा है। तो मैंने कस्टमर को बताया, फ़ोन पर बता दिया कि सर तार निकालिए स्पीकर का, दोबारा लगा लीजिए। कस्टमर ने सारा कुछ कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो मैं कस्टमर साइड पर गया चेक करने के लिए कंप्यूटर को, और वहाँ चेक करते सर दिखा रहा हूँ कि मैंने भी तार निकाला स्पीकर का, फिर दोबारा लगा, नहीं आ पाया। साउंड का जो ड्राइवर होता है ना कंप्यूटर में, उसको इंस्टॉल कर दिया, दोबारा इंस्टॉल, तब भी नहीं आया। तो अल्टीमेटली मुझे दिखा कि जो साउंड कार्ड होता है ना, वो साउंड कार्ड दिखाई नहीं रहा है अपने कंप्यूटर के अंदर। तो उसका मतलब ये हुआ, जो कंप्यूटर में साउंड डिपार्टमेंट होता है ना, मतलब हार्डवेयर जो होता है, वो खराब हो गया है। तो मैंने कस्टमर से कहा, सर आपको मदरबोर्ड खराब हो गया, आपको मदरबोर्ड रिपेयर करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि यार मैं रिपेयर नहीं करना चाहता, कुछ थर्ड ऑप्शन बताओ कि इसके माध्यम से कर सकता हूं मैं। तो देखिए इसी प्रकार से अगर लैपटॉप के अंदर भी आपके साउंड कार्ड पे प्रॉब्लम आ जाए मदरबोर्ड के अंदर, तो मत खर्चा ज़्यादा खर्चा कीजिए, मात्र 100 रुपये का एक पार्ट ला करके अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जानना चाहते हैं ना, तो चलिए बताता हूँ आपको मैं। हाँ, हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जब भी कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो बनाएंगे तो आपके पास पहुँच जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो होता है ना स्पीकर का तार है, ये क्या करते हैं हमें, या कंप्यूटर हो जाए या लैपटॉप हो जाए, तो सिंपल हम जो है अपने स्पीकर वाले जो यहाँ पे देखिए लैपटॉप में दिया हुआ है, स्टूडियो पे दिया हुआ है, इसमें हम लगाते हैं और यहीं से आवाज़ आता है ये, ठीक है, यहाँ से आवाज़ आता है। लेकिन क्या हुआ कि जब इस पर आप लगाते हैं यहाँ से आवाज़ नहीं आता है, इसका मतलब ये जो है आपका ख़राब हो गया, आपका साउंड डिपार्टमेंट ख़राब हो गया है, ये आउटपुट है। मेनली मैं कंप्यूटर में बता रहा हूँ ये, तो देखिए एक डिवाइस ही आता है ये, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, USB टू साउंड कार्ड डिवाइस है ये। इसको आप लैपटॉप खोलना नहीं है या आपके कंप्यूटर में लगाना आपको खोलना नहीं है, तो सिंपल ये मार्केट में जाइए, ये सिर्फ 100 रुपये का आता है। ये दुकानदार से बोलिए USB टू साउंड कार्ड दे दीजिए, ये देखिए ये मिल गया आपको, ये हम इसको खोलते हैं, दिखाते हैं आपको हमें, सिंपल इसको हम खोल लेते हैं, ये पैकिंग किया हुआ अच्छे तरीके से, देखिए ये है, ये डिवाइस मिल गया है। हम जानते हैं USB बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट होता है लैपटॉप में, कंप्यूटर में ये जो डिवाइस है, क्योंकि USB के ऊपर आपको USB LAN मिल जाएगा, USB को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, USB कीबोर्ड मिल जाता है। तो हर लैपटॉप में आजकल ना USB पोर्ट ही मिल नहीं आता है, जिस लैपटॉप में USB पोर्ट लगा हमारे है, आप कंप्यूटर में जाइए, कंप्यूटर में प्रॉब्लम मेन ज़्यादा आता है, लैपटॉप में कम आता है। तो ये क्या करना है हमको, ये सिंपल जो है ना हमारा जो कंप्यूटर का USB पोर्ट दिया हुआ है यहाँ पर, इसको हम लगा देंगे। देखिए USB के किसी साइड लगा दीजिए, चाहे इस साइड USB में लगाइए, चाहे इस साइड लगाएंगे। लगाने के बाद में इसका कोई ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करना है, प्लग एंड प्ले होता है। देखिए लगा दिया, और उसके बाद इसमें लाइट जल गया, देख रहा लाइट जल रहा, कंपनी का नाम RANZ है ये। और इसमें देखिए दो बना ऑप्शन बना हुआ है, एक बना हुआ ये जो माइक दिख रहा है आपको है, और एक बना हेडफोन का बंदा है। तो मतलब ये हुआ कि आपको स्पीकर लगाना, हेडफोन लगाना, तो इस वाले साइड में लगाएंगे, इस वाले पोर्ट में लगाएंगे। अगर आपको माइक लगाना है तो आप यहाँ लगाएंगे। अब देखिए ये हमको लगाना है स्पीकर, हमारा एक छोटा स्पीकर है ये, अब इसको हमको लगा कनेक्ट करना है, तो हम देखिए यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया स्पीकर को, कनेक्ट करने के बाद में देखिए इसका जो कनेक्शन है USB के माध्यम से आप पावर दे दीजिए। अब मुझे कोई प्ले करना है, मान लीजिए कुछ भी प्ले करना है, तो देखिए आपके कंप्यूटर में लगाना है, तो मैं कुछ प्ले करता हूँ, तो हमारे अब जो है ना ये जो स्टीरियो लगा रखा है, यहाँ ने लगा के इसके माध्यम से कर रखा है। अब मैं इसको प्ले कर लेता हूँ, देखिए ये प्ले करता हूँ मैं, तो अब आवाज़ जो है तोहरा स्नेह लगा के हम पागल हो गए ली जिंदगी के हर एक धड़। तो देखा आपने दोस्तों, तो मात्र 100 रुपये का पार्ट ला करके आप अपने साउंड वाले डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर यही चीज़ आप जाते हैं किसी कंप्यूटर मैकेनिक के पास में, कंप्यूटर मिस्त्री के पास में, उनसे बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो आपसे ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। तो इसलिए ईजिली तरीके से इसको ला कर काम कर सकते हैं और बन सकता है। जितने पुराने कंप्यूटर हैं उसमें जो है मेनली प्रॉब्लम यही आता है, लेकिन हाँ इसके साथ में वारंटी नहीं है ये। अगर ख़राब होता है, ख़राब भी हो जाएगा, इसको ला कर बदल के नया ले सकते हैं आप, और आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था, मैं चाह रहा था आपको बता दूं कि आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम कभी आता है, अगर है ऐसे नहीं आता है, तो आप इस प्रकार से कर सकते दोस्तों। वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दिया है, आपका वीडियो देखकर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, आपने भी अपने लैपटॉप कंप्यूटर आवाज़ ला दिया है, तो प्लीज़ वीडियो को इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो चाहते हैं ऐसी टेक्निकल चीज़ सीखना, हो सके वीडियो के माध्यम से कुछ सीखे दोस्तों। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट और शेयर कर। चलिए आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों।